रहमान की मेज़बानी में अपोजिशन की APC आज इस्लामाबाद में होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें शिरकत करेंगी। मरियम नवाज भी शरीक होंगी। शहबाज शरीफ का कहना है कि रेफरेंस में बजट मंजूरी रोकने के लिए मुत्तफिका हिकमत अमली अपनाएंगे। उधर बिलावल भुट्टो बोले, चेयरमैन सेनेट के रहने या ना रहने का भी फैसला हो जाएगा। बुलवाओ या तहरीक चलाओ, NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान, कहते हैं अपोजिशन एहतजाज का शौक पूरा कर ले, जवाब कारकर्दगी से देंगे। फिरदौसा शिकवान ने ट्वीट किया कि हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। शीरे खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान। 1 जुलाई से सऊदी अरब की उधार तेल की सहूलत पर भी गौर किया जाएगा। सेहतमंद माशरा और जरान से पाक इलाका। थाना सिटी पुलिस स्टेशन पर सरूर के जवानों ने शहरियों की मदद से लाखों रुपए का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया। जिला भर में लगाए जाने वाला किसी भी पुलिस स्टेशन के जाने से ये पहला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, जिसका पानी लेबोरेटरी से टेस्ट भी करवाया गया। लाहौर के इलाका फिरोजपुर रोड पर बेकरी में सिलेंडर फटने से धमाका, 12 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक 12 अफराद में से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। अमरीकी वजीर खारजा का काबुल का गैर एलानिया दौरा, अफगान हुकाम से मुलाकातें की, कहते हैं अमरीका फौज के इनखला पर तैयार है, सिर्फ टाइम फ्रेम तय होना बाकी है। अफगान अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है।